बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्लूइड डायनामिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, विच इज़ बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन का हैसियत फ्लूइड डायनामिक्स में वैसी ही है जैसे काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स के अंदर हम न्यूटन्स इक्वेशंस, न्यूटन्स लॉज की लेते हैं। वजह यह है कि हमें बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से ये पता चलेगा कि फ्लूइड के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कैसे किया जाएगा। जैसे प्रेशर अगर कहीं पे कम हो रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रही है तो वहाँ पे प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर किसी जगह पे हाइट ऑफ द फ्लूइड कम या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी वगैरह पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो रिलेशन बनता है वो बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है। अब बर्नौलीज इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो वही हैं जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जिक्र हम करेंगे, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक पाइप सिस्टम लेते हैं जो डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट डायमीटर का हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप सिस्टम है जिसकी एक साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ़र्ज़ करें A1 है और दूसरी साइड पर जहाँ पे हाइट के साथ साथ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज अगर हो जाए तो वो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती हो। अब इस पाइप सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो इस साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस साइड से डिफरेंट है, और अगर हम किसी भी रेफरेंस लेवल से हाइट की बात करें तो यहाँ पर इसकी हाइट और इसके रेफरेंस पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट की हाइट भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड इस जगह पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे, यहाँ पे आने की सूरत में उसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। रीज़न इज दैट कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये बात देखी थी। तो अब हमारा काम ये होगा कि वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान रिलेशन मालूम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन असल में प्रेशर, वेलोसिटी वगैरह का फंडामेंटल रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए ये हमारे पास एक बेसिक पैरामीटर्स होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने जो पाइप सिस्टम कंसिडर किया है कि फ़र्ज़ करें कि इसमें हम एक फ्लूइड को, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इस तरह के ये वॉल्यूम हम इसमें दाखिल करते हैं बाय अप्लाइंग सर्टेन फ्लूइड फोर्स। तो जब ये इसमें एंटर होगा तो ये यहाँ से इस तरफ जा रहा होगा तो इसको आगे वाला फ्लूइड पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको एंटर करने के लिए अगर हम फोर्स F1 फ्लूइड लगा रहा है तो जब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा या आगे की तरफ पहुँच रहा होगा तो उस सूरत में ये फ्लूइड का जो यहाँ पर पहुँचने की सूरत में इसको रोकने वाली फोर्स उसको इस डायरेक्शन में रोक रही होगी। हम ये कह सकते हैं कि पीछे से आने वाला फ्लूइड इस सेगमेंट को आगे धकेल रहा होगा और अगला फ्लूइड उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे हम इस फ्लूइड की बात करें तो F1 असल में वो फोर्स है जो इस साइड पर लग रही है। 1 का मतलब हम इस साइड को 1 ले रहे हैं और इस साइड को हम 2 ले रहे हैं। अब इसका मतलब अगर इस साइड पर प्रेशर P1 हो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो अगर A1 है और इस साइड पर लगने वाला प्रेशर P1 है तो वी कैन से दैट F1 शुड बी इक्वल टू P1 इनटू A1। अल्टीमेटली यही
यहां पे जब हम बात करेंगे तो इस साइड पर जो फोर्स एफ टू की हमने बात की है, एफ टू शुड बी इक्वल टू पी टू इंटू ए टू। अब ऐसी सूरत में इस साइड में जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है और ये सेगमेंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो वर्क डन होगा, मैं इसको W1 कह दूं अगर इस साइड पे, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू F1 इनटू डेल्टा X1। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे डेल्टा X1 ले रहे हैं तो सूरत में ये F1 डेल्टा X1 के बराबर होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने हल करते हुए ये देखा था कि F1 असल में ये P1 A1 आ जाता है और डेल्टा X1 चूंकि उसी डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये डॉट ख़त्म करके हम इसको F1 डेल्टा X1 लिख सकते हैं। यानी F1 डॉट डेल्टा X1 वर्क डन का फार्मूला है, यहाँ पे F1 डेल्टा X1 कॉस ऑफ ज़ीरो आएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन पी वन ए वन इन टू डेल्टा एक्स वन आएगा। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम देख चुके हैं कि ये वी वन डेल्टा टी के बराबर होगा, सो इट कैन बी रिटन एज वी वन डेल्टा टी। ये हमारे पास वर्क डन होगा जो इस साइड पर इस फ्लूइड पर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो यहाँ आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उससे जो आगे वाला फ्लूइड है वो उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। अब वो जो उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, तो इस साइड पर जो वर्क डन होगा, इसको मैं अगर W2 कहूं तो वो F2 डॉट डेल्टा X2 कहेंगे क्योंकि यहां पे जाके इसका डायमीटर भी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा X भी चेंज हो सकता है। तो F2 डॉट डेल्टा X2 होगा विच इज इक्वल टू F2 डेल्टा X2 कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको माइनस F2 डेल्टा X2 कह देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन एट दैट साइड वो बनेगा हमारे पास P2 A2, ये F2 की वैल्यू आ गई, नेगेटिव साइन हमें पहले लगाना होगा, डेल्टा X2 की जगह हम लिखेंगे V2 डेल्टा T। बात वही है कि जितना फ्लूइड जितनी देर में हम इधर से एंटर करेंगे उतना फ्लूइड उतनी देर में दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा, वर्क डन एट द सेकंड साइड। अब ये जो हमारे पास वर्क डन बना और ये वर्क डन बना, तो हमारे पास उस फ्लूइड सेगमेंट के ऊपर टोटल वर्क डन कितने हैं, ये जो मैंने रेड कलर में शेड में फ्लूइड की बात की है जो इस साइड पर इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका लेंथ बढ़ जाती है बिकॉज डायमीटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दोनों को हमने ऐड करना है, तो टोटल वर्क डन ऑफ दी ऑन दी फ्लूइड आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारे पास W1 प्लस W2 आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू P1 V1 सॉरी P1 A1 V1 डेल्टा T प्लस P2 A2 V2 एंड डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन था तो हमें ऐड करना था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये माइनस साइन आ जाएगा, यानी W1 प्लस W2 है लेकिन ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन की वजह से आ रहा है। अब जो वर्क डन हमारे पास आया ये टोटल वर्क डन है जो कि उस सेगमेंट पर हो रहा है। अब अगर आप देखें, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन शुड बी इक्वल टू ए टू वी टू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ए वन वी वन और ए टू वी टू को दोनों को हम लेट्स से कि ए वी कह देते हैं। अगर मैं इसकी जगह भी ए वी यूज़ कर लूँ, इसकी जगह भी ए वी यूज़ कर लूँ, तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास बनेगा वो कुछ बन जाएगा, टोटल वर्क डन पी वन माइनस पी टू इंटू ए वी इंटू डेल्टा टी। इस
इस एक्सप्रेशन में एक नई चीज़ जो हमारे पास आई वो हमारे पास आई ए वी इंटू डेल्टा टी, हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अगर हम दोनों में से कॉमन लेने के बाद देखें ए वी असल में क्या है, आप लोग जानते होंगे कि ए वी क्या है, जी बताएंगे, यस फ्लो रेट कहते हैं। तो ए वी चूंकि फ्लो रेट है, फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब अगर ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम अगर करेंगे तो वो वॉल्यूम रह जाएगा। तो इट मींस कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन वर्क डन, चले मैं यहां लिखता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू इन टू वॉल्यूम, ये वी कैपिटल मैंने वॉल्यूम के लिए लिखा है। तो पी वन माइनस पी टू इन टू वी, ये टोटल वॉल्यूम आ जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, इस फ्लूइड सेगमेंट की बात हो रही है जो यहाँ पे आके इस तरह ज़रा इसकी शेप लंबी हो गई है लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा। तो इसलिए वर्क डन हमारे पास ये आ गया, और वॉल्यूम मास और डेंसिटी के दरमियान एक रिलेशन होता है, जी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा फिर, इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर रो। तो यहां से इस वर्क डन को अगर हम देखें, ये आ जाएगा पी वन माइनस पी टू इन टू एम ओवर रो, ये एक्सप्रेशन आ गया हम टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड सेगमेंट। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी फ्लूइड पर वर्क होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकती है, या दोनों में चेंज आ सकती है। और अगर ये दोनों में चेंज आ सकती है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि हाइट इसका h1 है और इसके सेगमेंट की सेंटर पोजीशन की हाइट h2 है, तो इसका मतलब हाइट चेंज होने से भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इट मींस कि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो दोनों काम करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज करेगा। जी तो अब वर्क डन हमारे पास आ गया है पी वन माइनस पी टू इन टू एम ओवर रो, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं। अब हम बात करते हैं कि ये वर्क डन कहां इस्तेमाल होगा। अब देखा जाए तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी हाइट चेंज हो रही है दोनों साइडों पर। इसका मतलब इस साइड पर अगर हाइट एच वन है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर एम जी एच वन होगी, यहाँ पे हाइट चूंकि एच टू है तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू के बराबर होगी। तो वी कैन से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू, अब जब चेंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एम जी एच वन से एम जी एच टू हो गई है, तो इसका मतलब फाइनल हमारे पास है एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब इस वर्क डन का दूसरा इफेक्ट ये हो सकता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो। अब चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। अगर हम ये कहें कि इस साइड पर वेलोसिटी v1 है और इस साइड पर वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर 2 एम वी वन स्क्वेयर होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 बाई टू एम वी टू स्क्वेयर हो जाएगी। तो इट मींस कि जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो फिर वही बात कि फाइनल साइड पर काइनेटिक एनर्जी थी 1 बाई टू एम वी टू स्क्वेयर,
इनिशियल साइड पर 1 बाई टू एम वी वन स्क्वेयर, तो 1 बाई टू एम वी टू स्क्वेयर माइनस 1 बाई टू एम वी वन स्क्वेयर, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे तमाम फैक्टर्स में मैंने एम को कांस्टेंट रखा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के चूंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो इसलिए दोनों साइडों पर मास उतना ही रहेगा एक सर्टन वॉल्यूम के अंदर। जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट लेते हैं तो उसका मास भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब जो टोटल वर्क डन हुआ वो कहाँ गया, कि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता था, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता था, और इस केस में ये दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क डन दोनों हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक उसका एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज का बायस है और उसका दूसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का बायस है। इट मींस कि अगर हम फार्मूलों के मुताबिक लिखें, अगर इसको वन कह रहे हैं, यहाँ पे इसको टू कह देते हैं, इसको थ्री कह देते हैं, वन टू और थ्री को इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाता है पी वन माइनस पी टू इंटू एम ओवर रो इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी टू स्क्वेयर माइनस वन बाई टू एम वी वन स्क्वेयर, ये हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ये हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू लिख दी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एम 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 और एम, चारों में एम कॉमन आ रहा राइट साइड पे। अगर मैं इनको कॉमन लेके लेफ्ट साइड पर एम से कैंसिल कर दूं तो ये एक्सप्रेशन में से कट ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह किया जा सकता है, आप इन चारों में से कॉमन लेके इस एम के साथ कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो रो नीचे है इसको मैं दूसरी तरफ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू वन बाई टू। अब चूंकि इस रो ने इन तमाम चारों फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है तो ये रो वी टू स्क्वेयर माइनस वन बाई टू रो वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। मैंने सिर्फ ये किया कि m को ख़त्म करने के बाद रो को मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन में। तो ऐसा करने से अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 आ रहा है, जैसे ये p1 है, यहाँ पे v1 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे h1 आ रहा है, कुछ में 2 सबस्क्रिप्ट आ रहा है, जैसे ये p2 है, ये v2 है, यहाँ पे h2 है। हम क्या करते हैं कि 1 सबस्क्रिप्ट वाले एक तरफ ले जाते हैं, 2 वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे p1 मैंने इधर रहने दिया, ये और ये दो वैल्यूज़ ऐसी थी जिसमें 1 आ रहा था, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ माइनस वन बाई टू रो वी वन स्क्वेयर, यहाँ से माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब ये भी माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, रो जी एच वन आ गया इज इक्वल टू, इस पी टू को मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पर ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और अगेन ये पॉजिटिव है। अब लेफ्ट साइड पर देखें और राइट साइड पर देखें, दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ सबस्क्रिप्ट का नज़र आ रहा है, पैरामीटर या इक्वेशन में जो टर्म्स हैं वो सेम है। प्रेशर है, ये हमारे पास 1 बाई टू रो वी स्क्वेयर है, रो जी एच है, प्रेशर है 1 बाई टू रो वी स्क्वेयर रो जी एच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 वाले पैरामीटर्स को 2 वाले पैरामीटर में बदल दें तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये भी कह, जैसे आप बॉयज़ लॉ वगैरह को कहते हो पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू, तो आप उसको कह देते हो पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
यानी जब वन को टू में बदलने से रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े तो आप उसको कांस्टेंट लेते हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट के साथ सम में भी अगर आप वन की जगह टू करते हैं तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट पी प्लस वन बाई टू रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच, वी कैन से इट एज कॉन्स्टेंट। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। मतलब ये कि प्रेशर ये क्या चीज है, रो बेसिकली होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं सिर्फ इस रकम को देखूं तो ये असल में क्या है, वन बाई टू रो की जगह पे मैं लिख दूं मास ओवर वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर, इट इज रिटन एज वन बाई टू एम वी स्क्वायर ओवर वॉल्यूम लिखा जा सकता है। अब ये वन बाई टू एम वी स्क्वायर असल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये टर्म असल में है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल इसी तरह इसको आप एम जी एच की सूरत में लिख दें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास प्रेशर ये है, हमारे पास प्रेशर और ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये चीज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली वो प्रेशर में चेंज का बायस बनेगी और वाइस वर्सा। यानी प्रेशर चेंज होने का मतलब ये होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज होगी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स दैट सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि किसी भी क्लोज सिस्टम में हमारे पास जो किसी भी ऐसा सिस्टम जिसको हम बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो सूरत में प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में चेंज पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। यही असल में बर्नौलीज इक्वेशन है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होप आप लोगों को ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।